हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है और घर पर ही हम हमारी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। हम CBSE क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। करंट, हम चार्ज की प्रॉपर्टी देख चुके हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स देख चुके हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर हम डिफरेंट मटेरियल को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर की बात करें तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो कंडक्टर इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, उसमें से इजीली करंट फ्लो हो सकता है, पर अगर इंसुलेटर की बात करें तो उसे करंट फ्लो नहीं होगा। सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर। कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें करंट किस कॉन्सेप्ट से फ्लो होता है और ड्रिफ्ट करंट का क्या मतलब होता है, आज हम ये देखने वाले हैं। अगर किसी कंडक्टर में हम बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट करंट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट करंट, और इट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडक्शन करंट। ये सारे कॉन्सेप्ट हमको आज देखना है। अगर किसी कंडक्टर, हमने माना कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, और हमको पता है कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम नेगेटिव। अगर हमने इस कंडक्टर के टर्मिनल को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया, मतलब कि कंडक्टर के दोनों एंड पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, मान लेते हैं ये बैटरी 20 वोल्ट का है, तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, तो इस पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। उन पर एक फोर्स लगेगा, उन पर एक फोर्स लगेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, और इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल मूव करना स्टार्ट कर देंगे। पर क्या होगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, उसके रास्ते में दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है और वो उस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, केवल उनका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट होता है, वो थोड़ा सा मूव करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर लेते हैं। तो हम कहेंगे इस डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट को ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो केवल ड्रिफ्ट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन का एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर फ्लो होना पॉसिबल नहीं है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस कॉन्सेप्ट से जो करंट फ्लो होता है उसको कहेंगे ड्रिफ्ट करंट। तो हम ये सारा कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हमको लिखना है ड्यू टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर सिंगल इलेक्ट्रॉन नॉट एबल टू ट्रेवल एबल टू मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। उससे पहले हम क्या लिखेंगे, When potential difference applied across terminal of a conductor, electrons, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। बट सिंस वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट
इन एनी कंडक्टर, इन एनी कंडक्टर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ अनादर इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ अनादर इलेक्ट्रॉन. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनादर टर्मिनल. दस इट इज नॉट पॉसिबल to move a single electron from one terminal to another terminal okay, collide करेंगे. only differential displacement, छोटा सा जो displacement होगा उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट. ओनली डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल. ओके, दस इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. दस इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ही पॉसिबल है. एंड ड्यू टू दिस ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट इज फ्लो इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट. ओके, सारे नोट्स आपको सिस्टमेटिकली लिखना है. इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट होता है जिसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब हम बात करेंगे किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसे एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v1 है, दूसरे का v2 है, तीसरे का v3 है, अप टू vn. ओके, n इलेक्ट्रॉन हम मान के चल रहे हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी. और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट. ओके, यहाँ से अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल पर एंड होगा. ओके, तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट क्या होगा, करंट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. ओके, यहां पर n क्या है, n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. यहां पर e क्या है, हमको पता है e इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ए हमको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या देखा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट. ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है.